प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भले ही स्वच्छता अभियान को तह तक पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, पर वीवीआईपी जिलों में शुमार रायबरेली की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो गंगा स्वच्छता अभियान को किस प्रकार से मुंह चिढ़ा रही है, उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। पैक खर्च करती है सौंदर्यीकरण के लिए। आज हम वही रलमऊ नगर पंचायत स्थित एक राजीव वाटिका के पास मौजूद है। आप साफ तौर से आप वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, बड़े बड़े नेताओं आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन क्या है जमीनी है कि हम आपको साफ तौर से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बाकायदा धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक सरिनी के कल कमरों द्वारा श्री ब्रजेश दत्त गौड़ के अध्यक्ष के द्वारा संपन्न कराया गया था। आप देख सकते हैं 15/11/2018 लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या जो 2 सालों में जो हकीकत है वो क्या जो स्वच्छता अभियान के लिए जो पैसे आते हैं क्या यहाँ पे लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान होता है या नहीं होता है, बाकायदा देख सकते हैं किस तरह से हमको लगभग लग रहा है कि यहाँ सफाईकर्मी आता ही नहीं है। लगभग सफाईकर्मी सभी जगह आवंटित है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ साफ सफाई होती नहीं है। अब लगातार देखा जा रहा है और आरएसएस की टीम लगातार आपको पड़ताल दिखा रही है, वो हकीकत जमीनी हकीकत आपको दिखा रही है। लगातार साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ से जो गेट भी लगा है वो भी टूटा फूटा नजर आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, आप देख सकते हैं यहाँ का किस तरह से नजारा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ जो गेट लगा है बाकायदा पूरा खत्म हो चुका है। दो साल बीत चुके उसके बाद ये गेट खत्म हो चुका है। आप और भी अंदर की चीज़ें हम दिखाएंगे, अंदर वाटिका जहाँ लोग आते जाते हैं बैठने के लिए, बैठने के अपनों महसूस करते हैं, लेकिन क्या जो लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिलती या नहीं मिलती। आप देख सकते हैं जो बबूल के पेड़ भी हैं, का साफ सफाई होती है नहीं होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पैसा आता है सफाई के लिए वो लग पाता है या नहीं लग पाता है, वो आप हम दिखाएंगे। जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, आप बाकायदा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो गंदा कचड़ा उचड़ा पड़ा है, कपड़े भी यहाँ मौजूद है, जहाँ लोग आते हैं कपड़े उतार के फेंक जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई लगभग हमको लग रहा है लगभग कई महीनों से यहाँ की साफ सफाई नहीं हुई है। अगर वहीं हम बात करें बिजली विभाग की तो लाइटें भी लगी हैं, लेकिन अव्यवस्थित तौर पे लाइटें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, वीआईपी लोग चाहे वो उप जिलाधिकारी हों चाहे तहसीलदार हों, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी की इस ओर नज़र नहीं पड़ती है। बाकायदा आप देख सकते हैं लाइटें यहाँ जल रही हैं, लेकिन इस लाइटों को बंद करने के लिए ना कोई सफाई कर्मी है ना कोई अधिकारी की नज़र इस ओर नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो व्यवस्था तो है लेकिन अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आप और भी देखें किस तरह से ईंटें भी पड़े हैं, लेकिन अगर देख सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ के नगर पंचायत हैं, बड़े बड़े आलाधिकारी हैं, जो स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ क्षेत्रीय विधायक यहाँ के जो भाजपा के खुद मौजूदा विधायक, उनके कल कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन क्या कभी एक उद्घाटन करने के बाद सिर्फ वही वो होता है कि किसी खाना पूर्ति की जाती है या ऐसे कागजों पर की जाती है, उद्घाटन करके चले जाना बस, ना साफ सफाई होती है नहीं होती उसकी जानने के लिए कोई जरूरी मुनाफिस को मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या खबर आरएसएस पर खबर दिखाई